Hey guys, new location. हाँ, मैं घर आई हुई हूँ, so इसलिए नया नया location है सारा. तो location के साथ साथ मेरा topic भी नया है. तो चलिए आज मैं chips के बारे में बात करने वाली हूँ. This is my first topic on chips. तो चिप्स की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है उसके अंदर. लेकिन इतना एडिक्टिव होता है कि अगर बच्चे जिद पे आ गए तो उनको देना ही पड़ता है. तो इसलिए आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है हेल्दी चिप्स का. तो आज मैं ऐसे ही एक हेल्दी चिप्स का रिव्यू करने वाली हूँ जो सोशल मीडिया में छाया हुआ है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ BRB की. BRB में ऐसा क्या है जो एक्चुअल में इसे हेल्दी बनाता है? ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इसे हेल्दी दिखाने के लिए. तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं. बट रिव्यू शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर इसका आप पैक का फ्रंट देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप इस पैकेट के साथ बात कर रहे हैं. इसमें बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हैं. आई हैव फाउंड द वन दैट इज सो चीजी फॉर चिप्स. एंड यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि जो इसमें चिप्स हैं वो आपसे बातें कर रहा है, विच इज रियली इम्प्रेसिव. मतलब पैक इज वेरी न्यू और बहुत इम्प्रेसिव है. और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि इसमें पोटैटो इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसमें जो है स्वीट पोटैटो इस्तेमाल किया गया है, और ना तो वो फ्राइड है और ना ही बेक्ड है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ना तो ये फ्राइड है ना बेक्ड है, ये पॉप्ड चिप्स है. पॉप्ड चिप्स का मतलब ये होता है कि एक तरह से समझ लीजिए इसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इसे डाला जाता है, जिसकी वजह से ये जो है क्रिस्पी जैसे हो जाते हैं और बहुत लाइट हो जाते हैं. एयर फ्राइड टाइप का आप समझ सकते हैं, कुछ वैसा ही होता है पॉप चिप्स. सो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करते हैं तो स्वीट पोटैटो पैलेट्स मिलाया गया है. यानी कि पहले स्वीट पोटैटो को राइस फ्लावर के साथ या फिर स्टार्च के साथ मैश किया गया है, फिर उसके ये राउंड राउंड चिप्स बनाए गए हैं और उसको फिर पॉप किया गया है. नेक्स्ट जो इसमें मिलाया गया है ये सनफ्लावर ऑयल है, और फिर सीजनिंग मिलाया गया है थोड़े बहुत, जैसे सॉल्ट, अनियन पाउडर, मिल्क सॉलिड्स और गार्लिक पाउडर, एंटीऑक्सीडेंट. तो ये जो सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं, इसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं है, कुछ भी ऐसे प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई स्टेबलाइजर वगैरह नहीं मिलाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो. लेकिन हाँ, इसमें दो कलर मिलाए गए हैं, 160B और 150C. तो ये दोनों जो कलर्स मिलाए गए हैं, आर्टिफिशियल कलर इसलिए मिलाया गया है ताकि आप जो इसका ब्राउन कलर आप उसका देख रहे हैं वो मिल सके. 160B तो फिर भी नेचुरल कलर में माना जा सकता है, ये नेचुरल है. लेकिन कई लोगों को एलर्जी होने की वजह से 160B थोड़ा खतरनाक हो सकता है. लेकिन अगर एलर्जी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप नेक्स्ट कलर की बात करें 150C, तो इस कलर में अमोनिया पाया जाता है. और जैसे कि आपको पता है कि अमोनिया हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारे कैंसर होने के चांसेस और हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. साथ ही साथ यहाँ जो नेक्स्ट क्लेम किया गया है वो है 60% लेस फैट. तो क्या ये सच है कि इसमें 60% लेस फैट है? अगर आप तो बाकी चिप्स से इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें एक्चुअल में बहुत कम फैट है. अगर आप वन सर्विंग जो 23 grams के बराबर है उतना लेते हैं तो बस 3.3 gram फैट आपको जाता है, जो अराउंड हाफ चम्मच के बराबर है, विच इज रियली परमिसेबल. अगर आपके बच्चे जिद करते हैं कि उन्हें चिप्स खाना है तो आप उनको ये चिप्स डेफिनेटली ऑफर कर सकते हैं. लेकिन आपको इसमें पता है कि कलर मिलाया गया है 150C, तो इस वजह से आप बच्चों को अनलिमिटेड अमाउंट में मत दीजिए. हाँ, ओकेजनली आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी कलर मिलाया गया वो परमिसेबल अमाउंट में है. लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा देते हैं तो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है. साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ये 150C कलर है वो थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें अमोनिया है विच इज नॉट गुड. लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, इसलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको भी ये प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए. बट हाँ, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को रिलिश कर सकते हैं. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो कैलरी है, वन सर्विंग में आपको 103 kcal मिल रहा है, विच इज फेयरली गुड. क्योंकि जो आपका एक टाइम का स्नैक कट जो कैलरी इनटेक होना चाहिए वो 200 से 300 तक होना चाहिए, दिस इज आइडियल. तो उसके अंडर ही आ रहा है. तो इसके साथ आप कुछ और चीजें क्लब करके भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपको एक सैंडविच लेना है वो भी ले सकते हैं. चिप्स के साथ सैंडविच का क्लब बहुत अच्छा होता है. साथ ही साथ अगर प्रोटीन की बात करें तो इसमें कुछ खास प्रोटीन नहीं है, क्योंकि ये टोटल स्टार्च से बनाया गया है. चाहे आप स्वीट पोटैटो ले लीजिए या फिर आप राइस फ्लावर, या इसमें जो भी चीजें मिलाई गई है वो जनरली
कार्बोहाइड्रेट रिच है, प्रोटीन रिच नहीं है, तो इसमें इतना प्रोटीन नहीं है। चीनी की बात करें तो दो चुटकी भर चीनी मिलाया गया है, ज्यादा चीनी नहीं है, 1.8 ग्राम चीनी वन सर्विंग में है। सोडियम यानी कि जो नमक से आता है, नमक की मात्रा भी इसमें बहुत ही स्टेबल है, जस्ट 148 mg आपको इसमें से सोडियम मिल रहा है, विच इज रियली गुड। तो एक न्यूट्रिशन की भी अगर हम बात करें तो ठीक है, इसमें कोई खास बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें, वो सारी चीजें नहीं है, बट स्टिल बेटर देन अदर चिप्स क्योंकि ये फ्राइड नहीं है और इसमें फैट और सोडियम की मात्रा भी ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट को 100% मार्क्स दे सकती थी अगर इसमें बस 150 सी कलर नहीं मिलाया जाता तो, अदरवाइज दिस इज एक्चुअली हेल्दी प्रोडक्ट रादर देन गोइंग फॉर एनी लेस, कुरकुरे और एनी अदर चिप्स। सो आई वुड से दिस इज द हेल्दीएस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट इन द चिप्स सेक्शन। सो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी। आप फूड जासूस को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे यानी कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने को पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं foodjasus.mera.link पे। आज के लिए इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड ऑन फूड जासूस।